दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया में दुबई इतना आगे निकल चुका है, जहाँ कोरोना पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन थे, वही दुबई ने अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाई और स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट्स अपने यहाँ कराए, जिसकी वजह से आज दुबई एक स्पोर्ट्स हब बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, प्राइम स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जो पहले दुबई स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, ये स्टेडियम दुबई का एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है। इस स्टेडियम को मेनली क्रिकेट के लिए ही यूज किया जाता है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम 2009 में बनाया गया था और पहला इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 अप्रैल 2009 में खेला गया था। ये स्टेडियम दुबई स्पोर्ट्स सिटी में स्थित है और इस स्टेडियम में शायद दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस भी खेले गए हैं। स्टेडियम में कुल 25,000 स्पेक्टेटर की बैठने की क्षमता है, मगर इसको 30,000 तक भी किया जा सकता है और ये स्टेडियम कैपेसिटी के लिहाज से यूएई का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। स्टेडियम में हर तरह की इंटरनेशनल सुविधाएं अवेलेबल है। अल मक्तूम स्टेडियम यूएई में एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है। ये स्टेडियम दुबई में स्थित यूनाइटेड अरब इमिरेट का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। अल मक्तूम स्टेडियम अल नसर स्पोर्ट्स क्लब और यूएई नेशनल फुटबॉल टीम के होम ग्राउंड के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। अल मक्तूम स्टेडियम में 2019 में एएफसी एशियन कप के 6 मैचेस भी खेले गए हैं। इस स्टेडियम को 1980 में बनाया गया था और एएफसी एशियन कप के लिए 2017-18 में रिनोवेट भी किया गया था। अल मक्तूम स्टेडियम में कुल 15,000 स्पेक्टेटर की बैठने की क्षमता है, जिसकी वजह से ये स्टेडियम अभी यूएई का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।